जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, हमारे पूर्व सांसद खरावेल स्वयं जी, श्री रवि नारायण नायक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिहार जी, प्रदेश की महामंत्री श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी जी, हमारे निरंजन मिश्रा जी, जगन्नाथ साहू जी, श्री विप्रचरण मोहंती जी, श्री गोकुल नंदा मालिक जी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है, और जिस गर्म जोशी के साथ आपने स्वागत किया है, और मुझे देर से आने के बावजूद भी आप सब लोग डटे रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, उड़ीसा की भूमि यह वीरों की भूमि है, यह शौर्य की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है, और यह साहस की भूमि है। अगर मैं यहां आऊं और उत्कल मणि गोपबंधु दास जी का नाम न लूं, उन्हें याद न करूं, बख्शी जगबंधु जी को याद न करूं, या फिर वीर सुरेंद्र भाई को याद न करूं, तो शायद मेरा आना अधूरा होगा। इन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश का हित भी ध्यान में रखती है और प्रदेश का हित भी ध्यान में रखती है। आज हम सबके लिए कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं एक ट्राइबल जिला में आया हूं, मैं एक आदिवासी जिला में जहां बहुतायत आदिवासी भाई रहते हैं वहां आया हूं, तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आज भारत की राष्ट्रपति भी महिला हमारी, वह भी आदिवासी बहन है जो देश का नेतृत्व कर रही है, प्रथम नागरिक के रूप में देश का नेतृत्व कर रही है। इसलिए अगर प्रदेश का हित भी जो देखा जाए तो उसको सर्वोपरि मान करके देश के हित के साथ जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सामने रखा है। मित्रों, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, और जिसका फल आपके दूर दराज इलाके में यहां भी विकास के माध्यम से आपको दिख रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस ब्रिटेन ने, ब्रिटानिया ने, जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 200 साल हमारे ऊपर राज किया, आज जिन्होंने हमें 200 साल राज किया, आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है, और ब्रिटानिया को पछाड़ करके
हमने वो स्थान हासिल कर लिया है। यानी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनसे ऊपर भी हम आगे बढ़ करके हम आज पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में अगर केमिकल इंडस्ट्री के दृष्टि से देखा जाए तो 160% वृद्धि के साथ दुनिया को देने वाला केमिकल इंडस्ट्री का लाभ भारत बन चुका है। अगर ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में मोबाइल बनाने वाला भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री में हम चौथे नंबर पर आ जाकर के खड़े हो गए हैं दुनिया की नजर में। और फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में दुनिया की फार्मेसी आज भारत बन गई है और दुनिया को दवाई देने का काम भी भारत उसमें लीड ले रहा है, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन यहां यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका जिक्र धर्मेंद्र भाई कर रहे थे, आज अति गरीबी भारत में, अति गरीबी 1% से भी कम हो चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के 80 करोड़ की जनता को अन्न से परिपूर्ण रखा है, अन्नपूर्णा देवी की कृपा रखी है। और इसलिए मोदी जी ने तय किया, चाहे कोरोना कितना भी कष्ट पहुंचाए, चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरे भारत का नागरिक एक भी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए, उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होना चाहिए। और अब यह व्यवस्था हमारे धर्मेंद्र भाई ने अभी कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में इसको 2023 तक करने का निश्चय किया है। उसी तरीके से जनधन योजना के माध्यम से पहली बार जो जनता 130 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ की जनता बैंक का लाभ उठाती थी और उसको भारत सरकार का फायदा सीधे मिलता था, उसकी संख्या 3 करोड़ थी। और आज जनधन योजना के तहत आज 46 करोड़ जनता को सीधे मोदी जी का पैसा सीधे उसके खाते में पहुंचता है, ये जनधन योजना के माध्यम से किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 11 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ की जनता को आदरणीय मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल स्वास्थ्य के दृष्टि से गंभीर बीमारियों से लड़ने का इंतजाम किया है। लेकिन आपको दुख होगा कि आपके बीजू बाबू, नवीन बाबू, क्षमा कीजिएगा, नवीन बाबू, बीजू जनता दल जो कहते हैं कि हम प्रदेश का हित ध्यान में रखते हैं, आपको जानकर दुख होगा कि उड़ीसा की 60 लाख की जनसंख्या जिसको मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उसको आर्थिक मदद करना चाहते हैं, उसके बीच में नवीन बाबू आड़े आ जाते हैं और वह आप तक नहीं पहुंचता है। आप बताइए, 60 लाख की जनसंख्या को उसके अधिकार से वंचित रखा जा सकता है? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या?
ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? मित्रों याद रखना, अगली बार चुनाव आएगा तो आपकी उंगली होगी और कमल का बटन होगा और आयुष्मान भारत होगा, इस बात को आपको समझना होगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 12 दलित मंत्री रहे क्या? कभी रहे क्या? कभी आपने देखा कि 8 हमारे आदिवासी मंत्री रहे क्या? कभी आपने गवर्नर को आदिवासी देखा क्या? कभी आपने मुख्यमंत्री को आदिवासी देखा क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कभी आपने देखा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हुई हो? और कभी सोचा था कि वो महिला, वो आदिवासी हमारी पवित्र उड़िया की धरती से होगी, उड़ीसा की धरती से होगी? इसलिए मित्रों, गरीबों की चिंता, गांव की चिंता, वंचित की चिंता, पीड़ित की चिंता, महिला की चिंता, युवा की चिंता, किसान की चिंता, ये अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दलित भाइयों का, बच्चों का प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ा दी गई और आज 2,20,00,000 बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जा रही है, हमारे दलित बच्चों को। और उसी तरीके से अगर हम कहें पोस्ट मैट्रिक में, तो आज पहले 25,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता था और आज उसमें से 4.4 करोड़ 30 लाख करोड़ का दिया जा रहा है। यह भी हमको समझना, पहले 25,000 करोड़ और आज 4 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम याद करें कि अगर स्टैंड अप इंडिया की बात करें, तो हमारा जो लोन है वो 36,583 करोड़ सैंक्शन हुआ है और ये हमारे दलित भाई और आदिवासी भाइयों के लिए दिया गया है। हमारे पिछड़ी जाति के लोग, आज तक कमीशन को संवैधानिक स्टेटस नहीं था, संविधान से उसको संरक्षण नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछड़ी जातियों के कमीशन को, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे करके संवैधानिक स्थान दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी महिला बहनें बैठी हैं, बड़ी संख्या में बैठी हैं। उज्ज्वला योजना, अब आपको गांव में जाकर के लकड़ी काट करके चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है, आज गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचा है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? सिलेंडर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? अब हमारी बहनें लाइटर से जलाती हैं गैस और 5 मिनट में पति देव को चाय पिलाती हैं और आधे घंटे में भोजन खिला करके रुखसत हो जाती है। ये ताकत उनको दी गई। अगर मैं बात करूं हर घर नल जल जीवन मिशन, इसमें लगभग 9 करोड़ घरों को और उसमें से 43 लाख कनेक्शन आपके यहां उड़ीसा में लगे हैं, 43 लाख कनेक्शन। और मोदी जी का संकल्प है हर घर जल, हर घर नल, पीने का पानी हर घर पहुंचाया जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि पीने का पानी घर पर पहुंचे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं पहाड़ से आया हूं, मैं अभी धर्मेंद्र भाई और सुनील मोहंती को बोल रहा था, यह पहाड़ी इलाका है, हमारी बहनों को दूर दूर से जाकर के पानी लाना होता होगा। मैं जानता हूं, पहाड़ में रहा हूं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है। लेकिन हर घर जल मोदी जी का संकल्प अब कंधमाल में भी एक परिवर्तन लाएगा और महिलाओं को ताकत देगा, इस बात को हमको समझना होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें तो विकास के दृष्टि से हमारा स्वच्छता अभियान, हमारा इज्जत घर, हमारा शौचालय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात कही, इज्जत घर की बात कही, शौचालय की बात कही,
तो यही हमारे कांग्रेसी भाई और बीजू जनता दल के लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है, कैसा प्रधानमंत्री है। उनको कल्पना नहीं थी कि इस देश में 12 करोड़ परिवार ऐसे थे जो अपने दैनिक जीवन की सुविधा के लिए खेतों में जाया करते थे, उनको घर में शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ शौचालय बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत प्रदान किया और उनको इज्जत से जीने का अधिकार दिया, उनको जीवन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और जहां 12 करोड़ महिलाएं होंगी वहां 12 करोड़ बच्चे भी होंगे, उनको भी इज्जत से जीने का अधिकार दिया। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, अब किसान की मैं बात करना चाहता हूं। बताइए, हर चौथे महीने 11 करोड़ की जनता को 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2-2 हजार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सीधा मोदी जी का बटन दबता है, वो बटन दबाते हैं और 15 मिनट के अंदर 2000 रुपए आपके खाते में 11 करोड़ किसानों के हाथों में आ जाता है। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजनाएं किसानों को ताकत दे रही है। हमारे युवा भाई हैं यहां बड़ी संख्या में, मैं उनको कहना चाहूंगा, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने संकल्प लिया है रोजगार मेले के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरी सामने सामने सर्टिफिकेट के साथ लोगों को दिया जाएगा और केंद्र सरकार की नौकरी 10 लाख दी जाएगी। हम रोजगार के दृष्टि से भी काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब मेडिकल की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी भारतीय भाषा में होगी। हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हैं धर्मेंद्र भाई, आपके उड़ीसा के हमारे वरिष्ठ नेता, इन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई है उसमें अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अब आपकी भाषा में आप मेडिकल करेंगे और आप उसमें इंजीनियरिंग करेंगे, और ताकि गरीब व्यक्ति आ सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, नई नई योजनाओं में, स्टार्टअप में लगभग 70,000 लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, 100 यूनिकॉर्न हमारे वो बन गए हैं, अपने 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, और इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम चल रहा है। मित्रों, भारत की संस्कृति की भी रक्षा हो रही है। बताइए, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? काशी विश्वनाथ का उद्धार गया कि नहीं हो गया? केदारनाथ का फिर से रिस्टोरेशन हो गया कि नहीं हो गया? मित्रों, ये भारत की संस्कृति के दृष्टि से जो जुड़ी हुई हमारी आस्थाएं हैं उसको भी ध्यान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां देख रहा हूं ये दृश्य, सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये चाइना में संभव था क्या? ये अमेरिका में संभव था क्या? ये यूरोप में संभव था क्या? और आज भी हम एहतियात में सबको कहते हैं कि मास्क पहनो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 220 करोड़ डबल डोज, 130 करोड़ की जनता को विथ बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है, इसलिए आज ये भारत की तस्वीर देख रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, ये भारत पहले वैक्सीन मंगवाता था, हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस की दवा बाहर से मंगवाई है, हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स की दवा बाहर से मंगवाई है, हमने टेटनस की दवा बाहर से आई है, पल्स पोलियो की दवा भारत में बाहर से आई है, जापानी बुखार की दवा भारत में बाहर से आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी आई तो कोरोना आई, और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर
भारत के साइंटिस्टों को प्रोत्साहित करके एक नहीं दो दो वैक्सीन बना करके देश को सुरक्षित किया। आज अमेरिका में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, यूरोप में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट, सबसे तीव्र गति से वैक्सीनेशन और सबसे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ है, टीकाकरण हुआ है, यह हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने यह वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाने का काम किया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में देने का काम किया है। 1.5 करोड़ डोज हमने मुफ्त की दी है, यानी भारत अब लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला भारत बन गया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों आप बताइए यूक्रेन की लड़ाई हुई, चल रही है, कोई देश ने अपने लोगों को लाने का प्रयास किया क्या? अमेरिका ने प्रयास किया क्या? यूरोप ने प्रयास किया क्या? पाकिस्तान ने प्रयास किया क्या? श्रीलंका ने प्रयास किया क्या? किसी देश ने प्रयास किया क्या? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चे सीधे सीधे से तरीके से भारत ले आए। और तो और दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए और भारत पहुंच गए और भारत से अपने देश में गए। यानी जिम्मेवारी से सरकार चलाना, ये देश को चलाना, ये प्रदेश को चलाना, इसका काम हुआ है। मित्रों मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने के उड़ीसा के लिए भी बहुत कुछ किया है। आप बताइए 220 करोड़ का सेस्मिक सर्वे कैंपेन महानदी बेसिन उड़ीसा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बताइए महानदी बेसिन में कमर्शियल ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से आप बताइए कि दो आयरन ओर, एक जिलिंग लंगलोट और दूसरा ग्वाली, उसका आयरन ओर आप निकालना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरीके से आप बताइए यहां पर हमारे आदिवासी बच्चों के लिए, हमारे पिछड़े समाज में जो पिछड़ा इलाका रह गया है उनके लिए आज 87 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री यहीं से हैं, ये देश का सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा स्कूल उड़ीसा में खुले हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 87 जो हमारे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो भी खुले हैं। भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन 300 करोड़ की लागत से बिल्कुल नया बन रहा है, चकाचक बनेगा और वह एक तरीके से दिखाएगा कि उड़ीसा में विकास किस तरीके से हो रहा है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 3,323 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि आपके हर घर नल पहुंच सके, ये उड़ीसा का विकास हो रहा है। उसी तरीके से सांबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए 200 एकड़ की भूमि पर 401 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी भव्य बिल्डिंग बन रही है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपको अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, अब आप सांबलपुर में हमारा बच्चा पढ़ करके तैयार होगा, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन यह ब्रह्मपुर में खुल रहा है और यह भी 1,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मैं सारी बातें आपको उड़ीसा की बता रहा हूं। उसी तरीके से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यह भुवनेश्वर में खुल रहा है। हमारे भारत सरकार में मंत्री रहे हैं धर्मेंद्र जी स्किल एजुकेशन के और वो यहां खुल रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4,000 करोड़ रुपए उड़ीसा में खर्च हो रहे हैं, 4,000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से 1,300 करोड़ रुपए हमारे नेशनल हाईवे के लिए खर्च हो रहे हैं और 1,300 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए
13,400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और उसी तरीके से 1,214 किलोमीटर की नेशनल हाईवे जो बन रही है उसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी चौड़ी सड़कें, डबल लेन, फोर लेन, सिक्स लेन, ताकि विकास के लिए, ये सड़कें नहीं हैं, ये उड़ीसा के निर्माण के सड़कें हैं, ये याद रखना, इन सड़कों को बनाया जा रहा है। और अगर मैं कंधमाल की बात करूं तो 8 एकलव्य विश्वविद्यालय या 8 एकलव्य स्कूल यहां भी खोले जा रहे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, यह पवित्र धरती है, यह जगन्नाथ की धरती है। मैं नवीन भाई से पूछना चाहूंगा, मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहूंगा कि यह रत्ना भंडार जो लॉर्ड श्री जगन्नाथ का है, उसको क्यों नहीं सुरक्षित रखने का काम उड़ीसा की सरकार कर रही है? कहां है उस भंडार की चाबी? क्यों उसका संरक्षण नहीं हो रहा? और इसलिए, और इसकी ओरिजिनल चाबी कहां गुम हो गई है, इसका जवाब हमारे बीजू जनता दल के नवीन बाबू को देना होगा। उसी तरीके से मैं यह भी चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उड़िया यूनिवर्सिटी खोलूंगा 4 साल के अंदर, आज 5वां साल बीत रहा है, कहां है आपका वायदा? एक तरफ हम खोलते हैं, मोदी जी खोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, एक तरफ हम खोलते हैं साइंस सेंटर, एक तरफ हम खोलते हैं स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, हम आपको केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट देते हैं, एक नहीं अनेक देते हैं।